हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम रैंकर्स। तो मैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। तो उससे पहले जो सिलेबस है या जो अभी रिड्यूस्ड होकर सिलेबस आया है केमिस्ट्री का, मैं आज उसे डिस्कस करूँगी और कल से जो सिलेबस है उसकी क्लासेस, उसके लेक्चर्स को ही डाउनलोड करूँगी, ठीक है। तो सिलेबस अगर हम देखें क्लास 12th का, तो सिलेबस ऑलमोस्ट वही है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें से थ्री चैप्टर्स कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं, ये जो यूनिट्स इसमें दी गई हैं, इनमें से भी सिलेबस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है। जितना भी सेक्शंस ऐसे थे जो काफ़ी रटने वाले थे, जिनको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता था, बार बार रिवाइज करना पड़ता था, उन सारे सेक्शंस को काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम इसके मार्क्स की बात करें, तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में उठाएंगे तो वो टोटल 23 मार्क्स, एंड इनऑर्गेनिक पोर्शन 19, एंड ऑर्गेनिक पोर्शन सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, डेट इज 28। ओके, तो यहाँ से आपका, इस यूनिट से आपका ऑर्गेनिक पोर्शंस है, ऑर्गेनिक पोर्शंस, राइट। ये आपका यहाँ, ये आपका इनऑर्गेनिक, एंड दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इस टाइप से है, और इस बार चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दिया गया है, मास्क का चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दिया गया है, सिंस सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, तीन चैप्टर्स को कम्प्लीटली हटा दिया गया है, तो इसलिए सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक का सबसे ज़्यादा मास्क का है, तो मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करूँगी, और इनऑर्गेनिक केवल तीन ही यूनिट्स हैं, तो उसके बाद इनऑर्गेनिक में आऊँगी, देन फिजिकल, ठीक है। तो अभी तो ये हो गया, अभी देखते हैं कि क्या क्या रिमूव किया गया है। देखिए, ये है सिलेबस जो काफ़ी हद तक ये सारे वो जो रिमूव किए गए हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हटा दिया है, बेंड थ्योरी को बिल्कुल रिमूव कर दिया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड एनपी टाइप सेमीकंडक्टर्स, इन सबको रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो आप देखिए, ये यूनिट 6, इसको बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है, यूनिट 15 पॉलीमर्स को हटा दिया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसको भी रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि हमारी एनसीईआरटी बुक में जो ये रिमूव किया हुआ सेक्शन है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों पे एनसीईआरटी बुक्स होगी और पुरानी ही अवेलेबल होगी, तो बुक उसमें से क्या पढ़ें, क्या छोड़ना है, क्या नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो मैं एक बार एनसीईआरटी बुक में किस किस सेक्शन में ये जो हैं पॉइंट्स जो रिमूव किए गए हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने सॉलिड स्टेट की, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये सेक्शन 1.10 इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को आपको हटा देना है। तो आपको 1.10 सेक्शन को रिमूव कर देना है, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 26 पे, ठीक है। और उसके बाद ये हो गई आपकी क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आप यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मेटल्स, ये बैंड थ्योरी भी आपको रिमूव करनी है। मतलब आप 1.10 से आएंगे और उसके बाद नीचे आपको जितना भी मिलेगा, ये देखिए हिंदी में भी मैंने एनसीईआरटी में पॉइंट आउट किया हुआ है, जिसके पास हिंदी की एनसीईआरटी है वो उसमें अपना देख सकता है कि क्या रखना है, क्या रिमूव करना है, ठीक है। दिस वैन थ्योरी भी हट गया है, तो क्या आपका 1.10 का सेक्शन, चाहे आप इसमें 1.10.1 ले लो, चाहे आप 1.10.2 ले लो, ठीक है, ये इसको भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो ये बोला गया है क्या इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, एनपी टाइप, तो आप ये देखिए, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है और
ये इसका ए सेक्शन और ये इसका बी सेक्शन, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। मतलब अभी आप 1.10 पे ही चल रहे हैं और उसका पूरा सेक्शन वहाँ से रिमूव हो गया है। तो ये आपका पहला टर्म हो गया, आपका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आपने रिमूव कर दी, ठीक है, आपने बेंड थ्योरी रिमूव कर दी, ओके, जिसमें आपका कंडक्टर्स आ गया, सेमीकंडक्टर्स आ गया, इंसुलेटर आ गया, एनपी टाइप सेमीकंडक्टर आ गया। अब आपको 1.11 पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मिलेंगी, 1.11, ठीक है, पेज नंबर 29 पे आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और मिलेंगी, उसको भी आपको रिमूव करना है, वो भी अब आपके सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। तो ये आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अब आपको ये कोई भी ए बी सी 1 2 3 कोई भी सेक्शन, चाहे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, डायमैग्नेटिक हो, या कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपका पूरा का पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपकी रिमूव हो गई हैं सिलेबस से। अब हम आते हैं अपने यूनिट 2, ये आपका यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में आपका क्या निकला है, एबनॉर्मल मॉलिकुलर मास, ठीक है, दिस सेक्शन 2.7, 2.7 पेज नंबर 57, ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको अब आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा वेंट ऑफ फैक्टर, तो ये जो आई है, आई वेंट ऑफ फैक्टर, इसका कंसेप्ट भी आपके सिलेबस से अब हटा दिया गया है, ठीक है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ये तो आपके 2 यूनिट हो गई, दिस इज योर यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या हटाया गया है, पहला तो आपका ये गैल्वेनिक सेल, ये आपके हटा दिए गए हैं, गैल्वेनिक सेल आपका रिमूव कर दिया गया है, तो आपको गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो फेराडे लॉ है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इनको भी हटा दिया गया है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इनका एलिमेंट्री आइडिया को रिमूव कर दिया गया है, मतलब आपको ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अब नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ड्राई सेल आपका रिमूव कर दिया है, बैटरीज को ऑलमोस्ट हटा दिया है, ठीक है, मतलब उसने अलग अलग तरीके से लिखा है, ड्राई सेल इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है, तो ये ड्राई सेल यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। फिर ये आपका 3.6.2, ठीक है, इसमें आपकी लेड बैक्टरीज हैं, ठीक है, तो उसने बोला है कि लेड एक्यूमुलेटर को भी रिमूव करना है, मतलब ये बैटरीज का ये वाला सेक्शन भी आपका हट जाएगा। तो आपकी ड्राई बैटरीज गई, लेड बैटरीज गई, ठीक है, फ्यूल सेल को भी हटा दिया है, 3.7 वाला सेक्शन भी पूरा जाएगा, 3.7 वाला सेक्शन भी आपका पूरा जाएगा, ठीक है, फ्यूल सेल्स को भी हटा दिया गया है। कोरोजन भी आपके सिलेबस में अब नहीं है, कोरोजन को भी हटा दिया है, ठीक है, तो इस टाइप से, ओके, तो इस टाइप से आप यहाँ इस यूनिट से अगर आप आएंगे 3.6, 3.5 उससे पहले है, ओके, 3.2 यूनिट हटी हुई है, ठीक है, यूनिट नहीं सेक्शन, सॉरी, 3.2, देन 3.5 में जो सेल और इलेक्ट्रोलिसिस है ये रिमूव हो गया है, जिसमें फेराडे लॉ हट गई हैं, 3.6 में बैटरीज आपकी चली गई हैं, ड्राई सेल बैटरी गई है, लेड बैटरीज भी चली गई हैं, ठीक है, आपका 3.7 में फ्यूल सेल्स को भी रिमूव कर दिया गया है, और 3.8 में जो कोरोजन था उसको भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, ओके, तो ये तो आपके हो गई 3 आपके यूनिट हो गई। नाउ दिस इज योर यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो रिमूव किया गया है कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी एंड अरहेनियस इक्वेशन, इसको हटाया गया है, ठीक है, तो ये जो है ये एक्टिवेशन थ्योरी है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से निकलती है, इसको भी रिमूव कर दिया गया है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपका आरएनएस इक्वेशन 4.18, ये आपको मिलेगा क्या, 4.4 सेक्शन आपका, 4.4 सेक्शन आपका पेज नंबर 112 पर है, इसको भी रिमूव किया गया है, जिसमें आरहेनियस इक्वेशन है जो आपको नहीं पढ़नी है, आरहेनियस इक्वेशन को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और आपका एक्टिवेशन थ्योरी, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसको भी आपको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका सिलेबस में अब नहीं है।
देन आपके बाद है कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी को भी रिमूव कर दिया गया है, कोलिजन थ्योरी को भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन भी आपका गया जो पेज नंबर 116 पे है, ठीक है। तो आपका कोलिजन थ्योरी भी यहाँ से रिमूव हो गया है। तो आपका केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या निकला, कोलिजन थ्योरी को हटा दिया है और एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन के कंसेप्ट को भी हटा दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी पांचवी यूनिट पे, ये आपकी यूनिट 5, जो है आपकी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में क्या हटाया गया है, इसमें भी ज़्यादातर रटने वाले पार्ट को ही हटाया गया है, जैसे कि एंजाइम कैटालिसिस को हटा दिया गया है, कैटालिसिस को भी हटा दिया गया है। जैसे ये 5.2 एट 129 पेज, 5.2 एट 129 पेज, ठीक है। इस यूनिट 5 के इस सेक्शन को 5.2, जिसमें कैटालिसिस था, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो अब आपके सिलेबस में कैटालिसिस भी नहीं है, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में कैटालिसिस को हटा दिया गया है, जिसमें होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस कैटालिसिस उसने लिख के भी दिया है कि हाँ कैटालिसिस को रिमूव करना है, जिसमें होमोजेनियस कैटालिसिस हेट्रोजेनियस कैटालिसिस है, ठीक है, इनको आपको रिमूव कर देना है। तो ये आपकी कैटालिसिस यहाँ से गई। एंजाइम कैटालिसिस को भी हटा दिया गया है। 5.2.4 एंजाइम कैटालिसिस भी अब सिलेबस में नहीं है, पेज नंबर 133, ठीक है। तो एंजाइम कैटालिसिस भी रिमूव हो गया है यहाँ से। नेक्स्ट इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन्स, इमल्सन्स का ये जो सेक्शन था 5.5, इसको भी रिमूव कर दिया है, ठीक है। कॉलोइड्स को नहीं हटाया है, ये थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर भी कॉलोइड्स वाला सेक्शन है, उसको नहीं हटाया है, केवल इमल्सन को हटाया है, कैटालिसिस को हटाया है, जिसमें होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस कैटालिसिस है, एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिसिस भी इसी में आएगा, उसको भी रिमूव कर दिया गया है, और एंजाइम कैटालिसिस को भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपकी 5 यूनिट ये हो गई कंप्लीट। आपके फिजिकल की 5 यूनिट में क्या क्या हटाया गया आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब 6 यूनिट, जो इनऑर्गेनिक की पहली यूनिट थी, वो पूरी ही हटा दी गई है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। दिस यूनिट कंप्लीटली रिमूव्ड, ये पूरी की पूरी हटा दी गई है, यूनिट 6, ठीक है। अब हम आते हैं अपने यूनिट 7 पे, ठीक है। तो यूनिट 7 आपका क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट। यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्लियरली कहा गया है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को हटा दो, केवल स्ट्रक्चर्स को। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन 7.4 सेक्शन, 7.4 सेक्शन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनके स्ट्रक्चर को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इनके फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन मेथड, इनको माइंड में रखना, बट ये टेबल 7.4 स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। जनरली जो क्वेश्चंस पूछ लेते थे, इनमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ के पूछ लेते थे, उनको काफ़ी रटना पड़ जाता था, तो केवल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को रिमूव कर दिया है सिलेबस से। पूरा नहीं रिमूव किया गया है, केवल स्ट्रक्चर ओनली लिखा हुआ है उसमें, जो भी सिलेबस रिमूव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉस्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स 7.6, फॉस्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, इसको भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर 180, फॉस्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, इसको भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको ये व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका फॉस्फीन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। आपका 7.7 सेक्शन को भी रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। 7.7 सेक्शन, पेज नंबर 181, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन हैज बीन रिमूव्ड। नाउ नेक्स्ट, 7.8 सेक्शन, फॉस्फोरस हेलाइड, फॉस्फोरस हेलाइड एंड ऑक्सी एसिड्स,
इनके भी एलिमेंट्री आइडिया को हटा दिया गया है। तो फॉस्फोरस हैलाइड्स में आपका ये ट्राई हैलाइड हो गया, ये पेंटा क्लोराइड हो गया, ठीक है, ट्राई क्लोराइड, पेंटा क्लोराइड, इनकी प्रिपरेशन वगैरह, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को हटाया है। देखिए जो फॉस्फोरस हैलाइड्स हैं इनकी तो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ दोनों की हटा दिया गया है, इनकी ये जो आपको ये प्रिपरेशन ये और ये प्रॉपर्टीज़ इन सबको रिमूव कर दिया गया है। लेकिन जो ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस, इसका केवल एलिमेंट्री आइडिया को हटाया गया है। मतलब इसमें आपको कुछ कुछ पढ़ना रहेगा, कुछ कुछ आपको छोड़ना रहेगा, ठीक है। इसमें क्लियरली नहीं लिखा गया है कि इनके सारे प्रॉपर्टीज़ वगैरह को, तो इसमें थोड़ा सा आइडिया इनका रखना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड 7.17 सेक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर रिमूव कर दिया है, दिस इसको हटा दिया है, ये इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर था, इसको रिमूव कर दिया है सिलेबस से, ठीक है। तो पी ब्लॉक में आपका क्या क्या हटा, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन रिमूव्ड, सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर प्रोसेस रिमूव्ड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनके स्ट्रक्चर को हटा दिया गया है, फॉस्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हट गई हैं, और फॉस्फोरस हैलाइड एंड ऑक्सी एसिड्स के प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज को भी हटा दिया है, ठीक है। फॉस्फीन को भी, फॉस्फीन को भी रिमूव कर दिया है इसमें से। तो ये आपकी हो गई क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं आपके यूनिट 8, यूनिट 8 डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें से लेंथनाइड और एक्टिनाइड को हटा दिया गया है। सबसे ज़्यादा रटने वाला जो पॉइंट रहता था लेंथनाइड और एक्टिनाइड, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथनॉइड एंड एक्टिनॉइड, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सबको रिमूव कर दिया गया है, और लेंथनाइड का जो कंपैरिजन होता था उन सबको भी रिमूव कर दिया गया है। मतलब आपका 8.5 सेक्शन पेज नंबर 234, 8.5 सेक्शन लेंथनॉइड, इसको हटा दिया है, ये 8.5 का जितने भी सब सेक्शन हैं उनको भी रिमूव कर दिया है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी साइज, इन सबको रिमूव कर दिया गया है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, ये सारी के सारी रिमूव हो गई हैं। मतलब पूरा लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड आपका चला गया है, इवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो आपका 8.6 भी आपका चला गया है, ठीक है। ये आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब लेंथनॉइड एक्टिनॉइड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपका 8.6.4 कंपैरिजन विद लेंथनॉइड, जनरल करेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन विद लेंथनॉइड, इसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये हो गया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और रिमूव की गई है इस यूनिट में, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, मतलब ये K2Cr2O7 रिमूव्ड एंड KMnO4 ये भी रिमूव्ड। मतलब आपके सेक्शन 8.4 में कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कुछ कंपाउंड्स थे उनको भी हटा दिया गया है, K2Cr2O7 इसका, इसको भी रिमूव कर दिया गया है, इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ दोनों को हटा दिया गया है, और KMnO4 की भी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ दोनों को हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही रटने वाला पोर्शन था, इसको भी बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका लेंथनॉइड तो आपका चला ही गया है, ओके। तो ये हो गया। अब हम अपने आते हैं यूनिट 9, यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें क्या हटाया गया है, इसमें स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दिस 9.4 सेक्शन आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। स्ट्रक्चर और स्टीरियो दोनों को हटा दिया गया है, ये दो टाइप की थी आइसोमेरेज, दोनों टाइप की आइसोमेरेज को कम्प्लीटली यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और एक छोटा सा सेक्शन और हटा है इसमें, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से आपका आइसोमेरेज वाला पार्ट पूरा गया, मतलब आपका 9.4 सेक्शन
प्लस उसके सब सेक्शन, ये सारे रिमूव हो गए हैं या उसके सब सेक्शन है उसको भी आपको नहीं करना है। और आपका 9.7 इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी ऐसा सेक्शन था जो आपको बार बार याद रखना पड़ता था, बार बार रिवाइज करना पड़ता था, उसको धीमे धीमे कम करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्या यूनिट 9। ठीक है, तो आपका इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन हो गया, क्या क्या हटा, क्या क्या रह गया। अब आप ऑर्गेनिक वाले पोर्शन पे चलते हैं। अब हम आए हैं आपके यूनिट 10। यूनिट 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, इसमें क्या रिमूव किया गया है, यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म्स, फ्रियोन्स एंड डीडीटी। मतलब ये पॉलीहैलोजन कंपाउंड 10.8 सेक्शन पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, ये पूरा रिमूव हो गया है। आपका 10.8.1 में क्या था, आपका डाइक्लोरोमीथेन हटा दिया, ट्राइक्लोरोमीथेन हटा दिया, और ये आइडोफॉर्म रिमूव्ड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी, तो पॉलीहैलोजन कंपाउंड का जितना ही पोर्शन था, फ्रियोन्स ये भी इसमें से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 10 हो गया। अब आपका यूनिट 11, यूनिट 11 एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, इसमें क्या रिमूव किया गया है, बहुत छोटा सा पोर्शन है, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथनॉल एंड इथेनॉल। 11.5 सेक्शंस पे है सम कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल्स, जिसमें मिथनॉल और इथेनॉल को आपको अलग से पढ़ना होता था, अब ये आपको नहीं करना है, ये रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो 11.5 केवल यहाँ से हटा दिया गया है। अब आपका नेक्स्ट है यूनिट 12 अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा करना है। अब आपका यूनिट 13 अमीन्स। ओके, तो अब हम आते हैं किस पे, अमीन्स पे। अमीन्स में क्या हटाया गया है, ये यहाँ है आपका यूनिट 13 अमीन्स। अमीन्स में क्या रिमूव किया गया है, डायोजनियम साल्ट, डायोजनियम साल्ट्स को रिमूव कर दिया गया है, उनकी प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, इम्पोर्टेंस इन सिंथेसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब हटा दिया है। तो ये आपका डायोजनियम साल्ट है 13.7 ये रिमूव्ड, जिसमें मेथड एंड प्रिपरेशन था रिमूव्ड। 13.8 फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमूव्ड। 13.9 केमिकल रिएक्शंस रिमूव्ड। ठीक है, तो डायोजनियम साल्ट का जितना भी सेक्शन था वो सारा का सारा हटा दिया गया है। तो ये हो गई आपकी यूनिट 13। यहाँ पे हम आए हैं अब यूनिट 14 पे। तो यूनिट 14 में क्या हटाया गया है, यूनिट 14 है आपका बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। तो यूनिट 14 में क्या रिमूव किया गया है, इसमें आपके ओलिगोसैक्राइड्स, जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज और मेल्टोज, मॉल्टोज, इन तीनों को हटा दिया गया है। आपके पॉलीसेक्राइड्स जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन रिमूव्ड। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हटा दिया है। विटामिन्स, उनकी क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, ये भी हट गए हैं। हार्मोन्स हट गए हैं। तो इसमें भी काफ़ी ऐसा पोर्शन था जो आपको बहुत ज़्यादा रटना पड़ता था, जनरली भूल जाते थे, वो सब हटा दिया गया है। तो आप आएंगे 14.1.3 सेक्शन पेज नंबर 417। इसमें डाइसैक्राइड्स हैं, इसमें आपका क्या सुक्रोज रिमूव्ड, आपका माल्टोज नहीं पढ़ना है, हटा दिया है, लैक्टोज हटा दिया है। पॉलीसेक्राइड्स पे आएंगे, स्टार्च हटा दिया है। ठीक है, आपका सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये भी यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं, सेलुलोज और ग्लाइकोजन ये भी। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिस 14.1.5 इसको भी पूरा रिमूव हो गया है, पेज नंबर 419। ठीक है, 14.3 इंजाइम्स, 14.3 इंजाइम्स। ठीक है, इंजाइम्स को भी हटा दिया गया है। विटामिन्स, विटामिन्स में क्या हटाया गया है, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस,
तो विटामिन्स में ये क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स को हटा दिया गया है, ठीक है। आपके 14.6 हार्मोन्स, हार्मोन्स को भी रिमूव कर दिया गया है, 14.6 पेज नंबर 430। ओके, तो ये हो गई आपकी यूनिट 14, जिसमें से ये रिमूव कर दिया गया है। यूनिट 15 और 16 को कम्प्लीटली हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिलेबस, उसमें से क्या रिमूव कर दिया गया है, क्या हटा दिया गया है, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अब हम आगे से स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक पहले स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक के एक एक करके जो भी सिलेबस अभी रिवाइज्ड सिलेबस है, रिवाइज्ड रिमूव वाला हटा के जो रिवाइज्ड सिलेबस है क्लास 12th के एग्जाम के लिए, मैं उसे स्टार्ट करूंगी पहले। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।